आज मैं आपके साथ एक बनाना फ्लावर रेसिपी शेयर करूंगी। हम लोग इसको बंगाली में मोचा भी बोलते हैं। तो ये है एक बनाना फ्लावर। तो मैं आपको थोड़ा पील करके दिखाती हूँ। पहले इस तरह से ये जो फूल है उसको निकाल लेना पड़ता है। पिंस होते हैं, इस तरह के रहते हैं पोलन टाइप के, इसको निकालना रहता है क्योंकि कड़वा भी होता है। और साथ में देयर इज वन बोट शेप्ड थिंग, इसको भी निकाल देना रहता है। मैंने डिटेल में हाउ टू पील अ बनाना फ्लावर इसका एक वीडियो बहुत पहले ही डाल दिया था, तो उसका मैं लिंक एंड में डाल दूंगी। तो वहां से आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से बनाना फ्लावर को पूरा अंदर तक पील करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कंप्लीट बनाना फ्लावर को अच्छे से पील कर लिया था, और उसके बाद मैंने उसको बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया था। और फिर मैंने उसको प्रेशर कुकर में 2 सीटी तक थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर के साथ बॉईल कर लिया। और उसके बाद जब प्रेशर रिलीज हो गया कुकर से, एट दैट टाइम मैंने उसको स्ट्रेन कर लिया जो एक्सेस पानी है, और फिर निचोड़ के मतलब स्क्वीज करके मैंने जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल लिया है। तब ये बिल्कुल ही सॉफ्ट और स्टिकी स्टिकी हो गया है, इसमें एक बहुत ही कम मॉइस्चर है। तो ये पूरा एक फुल बनाना फ्लावर का इतना निकला है। इसको मैं बाइंडिंग करूंगी, तो बाइंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा बेसन इसमें ऐड करूंगी, बेसन ऐड करूंगी थोड़ा सा। और ग्रेवी के लिए मुझे चाहिए 5 फोड़न। 5 फोड़न मैंने लिया है ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर सीड्स, नाइजेला सीड्स मतलब कलौंजी, और ये है सौंफ। एक पेस्ट बनाऊंगी अदरक और थोड़ा सा और जीरा के पीस लूंगी, थोड़ा सा पानी के साथ चटनी जार में। तो उस टेम्परिंग में 5 फोड़न के साथ मैं ये सूखी लाल मिर्च भी डालूंगी। सूखे मसाले में मुझे चाहिए नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। कुकिंग में करूंगी मस्टर्ड ऑयल में, और लास्ट में जब एकदम कुकिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं थोड़ा सा घी ऐड कर दूंगी, घी के खुशबू के लिए। साथ में मैं थोड़ा सा चीनी भी ऐड करूंगी ग्रेवी में लास्ट में, थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए, क्योंकि नमक थोड़ा सा ऑलरेडी है इसमें और थोड़ा सा हल्दी पाउडर जब बॉईल किया तब मैंने डाला था। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये जो पनियारम पैन है इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के मैं इसको इन कोफ्तों को फ्राई करूंगी। कोफ्तों को मैं 2 से 3 मिनट के लिए दोनों तरफ से फ्राई कर लूंगी। बट मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, जब आप बनाना फ्लावर खरीदोगे तो एक रिलायबल सोर्स से ही खरीदना, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बनाना फ्लावर देखने में उतना फ्रेश लग रहा है बट बहुत कड़वा निकलता है, फिर पूरा डिश ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा चेक करके फिर ही लेना अच्छा रहता है। और अब मैं पेस्ट बनाने के लिए जीरा और अदरक को चॉप करके इसमें ऐड कर दूंगी और पानी डालूंगी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला था तो उससे जीरा अच्छे से पिस जाता है एक बार में ही। ये पेस्ट बन के रेडी हो गया है, और अब मैं इसमें हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। याद से अगर आप रेड चिली पाउडर जो तीखा होता है वो डालते हैं तो थोड़ा कम डालिएगा, अदरवाइज बहुत स्पाइसी हो जाएगा, क्योंकि अदरक में भी थोड़ा सा तीखापन रहता है और सूखी लाल मिर्च में भी, एज़ वेल एज़ सूखे
लाल मिर्च पाउडर में भी, तो क्योंकि मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है कलर के लिए। और अब मैं ग्रेवी बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है मैंने, और साथ में 5 फोड़ों में टेम्परिंग करने के लिए डाल दिया है। और अब मैं सूखी लाल मिर्च को भी तोड़ के इसमें डाल रही हूँ, और थोड़ा सा जब हल्का सा फ्राई हो जाए उसके बाद मैंने जो पेस्ट बनाया था उसको भी ऐड कर दिया साथ में थोड़ा सा पानी के साथ। इस ग्रेवी को हमको मीडियम आंच में ही 3 से 4 मिनट के लिए कुक करते रहना है। और इस बीच मेरे जो कोफ्ते वो भी फ्राई हो गए हैं। मैंने थोड़ा सा अभी चीनी ऐड कर दिया है क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट ग्रेवी उबल चुका है, 4-5 मिनट हो चुका है। और अब मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर दूंगी, और उसके बाद थोड़ा सा देसी घी और व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम ऑप्शनल है, अगर आपके पास घर में थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट है तो वो भी आप डाल सकते हो ग्रेवी में एज़ वेल एज़ कोफ्तों में जब आप कोफ्ते बना रहे हो, क्योंकि उससे भी अच्छा काफ़ी टेस्ट आता है। तो मैंने थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम डाल दिया है, कलर भी अच्छा आ गया, थोड़ा सा टेस्ट भी एनहेंस हो जाता है। और कोफ्तों को हमको और 1-2 मिनट के लिए बस बॉयल करना है ग्रेवी में, और बस हमारा बनाना फ्लावर कोफ्ता इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। ये बेस्ट टेस्ट करेगा विद प्लेन स्टीम राइस के साथ ही, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको प्लेन राइस के साथ ही लेंगे तो इसका सबसे अच्छा टेस्ट मिलता है।